उधारी के पैसों के लिए बचत कर चलाने वाली महिला की हत्या किए जाने का मामला कपिलनगर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। रविवार की सुबह पन्नी में बंधा शव मिलने के बाद वारदात का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार करने की जानकारी पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने दी। दीपा पति तथा दो बेटे के साथ रहती थी। पति निजी काम करता है। दीपा निजी स्कूल बस में कंडक्टर थी, साथ में हर्बल उत्पाद तथा दवा भी बेचती थी। वह शनिवार की सुबह से ड्यूटी पर रवाना हुई। दोपहर को घर लौटी। वह 2:30 बजे सहेली सोनी से मिलने जाने का बताकर घर से निकली। तभी से उसका कोई पता नहीं था। शाम तक दीपा घर नहीं लौटी। इससे पति तथा अन्य परिजन चिंतित हो गए। खोजबीन में भी उन्हें दीपा का कोई पता नहीं चला। आज सुबह 9 बजे परिजन कपिलनगर थाने पहुंचे। दीपा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई जाने लगी। तभी पुलिस को उपलवाड़ी में महिला का पॉलीथीन में बंधा शव मिलने का पता चला। पुलिस को घटनास्थल से मिले सामान तथा हुलिये से दीपा का शव होने का संदेह हुआ। परिजनों को बुलाने पर शव की पहचान हो गई। दीपा के हाथ पैर बांधे गए थे। इसके बाद शव प्लास्टिक में लपेटकर वहां फेंका गया। शरीर पर जख्म के निशान नजर नहीं आ रहे थे। शव की हालत देखकर गला घोटे जाने का संदेह हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। काल सकाळी अंदाजे 10 वाजता एक उपलवाड़ी इंडस्ट्रियल एरियामध्ये एक डेड बॉडी भेटली होती। त्याचा आयडेंटिफिकेशन झाला आणि तिचं नाव दीपा जुगलदास असं तिचं नाव होतं आणि त्याच एरियामध्ये राहणारी ती महिला होती, 41 वर्षाची। नंतर तपास केला आणि त्याच्यामध्ये 2 आरोपी निष्पन्न झाले आहे। आरोपींचं नाव आहे समी हिरालाल सोनी नामक पुरुष आहे, 25 वर्षाचा, आणि सुवर्णा समी सोनी 30 वर्षाची तिची बायको आहे। हे 2 मुख्य आरोपी त्याच्यात आहे आणि याच्यामध्ये कारण जे आहे मर्डरचा तो असा आम्हाला समजला आहे की जे मृतक है ते एक बचत गट चालवत होती आणि त्याच्या माध्यमातून जे आरोपी आहे त्यांना काही पैसे त्यांनी उधार दिले होते आणि ते पैशाची वारंवार मागणी करत होती। त्यामुळे त्याचा राग आल्याने आरोपी महिला आणि पुरुष यांनी गळा दाबून ती महिलाचा मर्डर केला आणि नंतर ती बॉडी उपलवाडी इंडस्ट्रियल एरिया झाडी झुडपी एरिया आहे तिथे डिस्पोज करून टाकली। डिस्पोजलसाठी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही आहे, पण घटनास्थळवरून काही आम्हाला असं मटेरियल भेटलं आहे जे लिंक करता है आरोपीला आणि घटनास्थळाला, आणि असे स्टेटमेंट्स आहे, मोबाईल लोकेशन्स आहे, बाकी इतर जे टेक्निकल पुरावे आहे त्याच्या माध्यमातून आम्हाला कन्फर्म झालेलं आहे की हेच 2 आरोपी आहे। लव्ह यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।